अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। नमस्कार, News 44 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दीक्षा राठौर। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीति का मुद्दा बना है मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली। बता दें कि इस साल महाराष्ट्र में सरकार में बदलाव हुआ था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हर साल उद्धव ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करते आए हैं, लेकिन इस बार शिंदे गुट ने भी शिवाजी पार्क में रैली के लिए अर्जी दाखिल कर दी है, जिसके बाद से सियासी ड्रामा शुरू हो गया है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्धव गुट को राहत देते हुए 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, जिसके लिए वो कुछ सीनियर वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद शिंदे गुट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकता है। वहीं बता दें कि सालों से शिवसेना के नेतृत्व में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली होती आई है और इस बार सरकार तो शिवसेना की ही है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ऐसे में जब दोनों ही गुटों ने रैली को संबोधित करने के लिए बीएमसी को पत्र सौंपा, तो इस पर उद्धव ने कहा कि बीएमसी उनको मंजूरी देता है या फिर नहीं, वो तो शिवाजी पार्क में ही रैली करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ठाकरे गुट ने इस रैली की मंजूरी के लिए 22 अगस्त को ही बीएमसी को पत्र सौंप दिया था, जिसके बाद 30 अगस्त को शिंदे गुट ने इसकी मंजूरी के लिए अर्जी दायर की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद देखना होगा कि ठाकरे गुट और शिंदे गुट में से इस साल किसकी रैली शिवाजी पार्क में संबोधित होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 44। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।